जुनून और लगन ऐसा होना चाहिए कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें तब तक सही से रह ना पाए। इसका मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक ऐसा जुनून पैदा कर जो तेरे अंदर आग पैदा करे, और वह आग तुझे तब तक अंदर से जलाता रहे जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। किसी भी लक्ष्य को पाना या सफलता हासिल करना उतना कठिन नहीं होता जितना हम उसे समझ लेते हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही यही बताया जाता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं। लेकिन तू एक बार ये सोच कि अगर सफलता हासिल करना कठिन होता तो क्या वे लोग जो आज सफल हैं वे सफलता को हासिल कर पाते? मगर वे सफलता इसलिए हासिल किए क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता था लोगों की बातों का, वे बस अपने मेहनत पर ही ध्यान देते थे। वे ऐसे चीजों पर ध्यान नहीं देते थे जो आगे चलकर उन्हें उनके सफलता के मार्ग में उनकी सहायता ना करे। वे ऐसी चीजों पर ध्यान देते थे जो आगे चलकर उनकी सफलता में सहायता करे। और तुम हो जो ऐसी चीज पर ध्यान देते हो, ऐसी चीज पर काम करते हो जो आगे चलकर तुम्हें बस छोटा सा ही फायदा दे। हमें छोटी सी फायदे के चक्कर में फंसकर समय गंवाते हैं और बड़े फायदे के बारे में भूल जाते हैं। इसी तरह एक बार स्वामी विवेकानंद को किसी नदी के किनारे पर खड़े थे, उन्हें उस पार जाना था। वे नाव का इंतजार कर रहे थे तभी एक साधु आया और उनसे कहा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं और आप यहाँ खड़े हैं। और साधु पानी पर चलना शुरू कर दिया और उस पार जाकर फिर इस पार वापस आया और स्वामी जी से कहा कि आप इतने बड़े विद्वान हैं फिर भी आपको पानी पर चलना नहीं आता। मैं एक साधु हूँ और मुझे पानी पर चलना आता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता और आपको सब जानते हैं। तब स्वामी जी ने पूछा कि आप पानी पर चलने की विद्या कितने दिनों में सीखे? तब साधु ने कहा कि पूरे 15 साल। तब तक नाव आ गई और स्वामी जी साधु के साथ नाव पर सवार हो गए। और उस पार जाने के बाद स्वामी जी ने 1 रुपये निकाल कर 50 पैसे अपने और 50 पैसे साधु के हिस्से का उस नाव वाले को दे दिए और साधु से बोले कि जो काम 50 पैसे से हो सकता है उसके लिए तुमने अपने जिंदगी के 15 साल गंवा दिए, और मैंने अपनी जिंदगी का समय लोगों के हित और कल्याण में लगाया इसीलिए मुझे सभी जानते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी का कीमती समय ऐसे काम में लगाओ जिसमें आपको बड़ा फायदा हो, ऐसे काम में मत लगाओ जिसमें बस छोटा ही फायदा हो। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय जवान जय किसान और जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।